पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जून 2024 लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की मतदान भी हो चुकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रतिशत को कम देखते हुए पटना जिलाधिकारी लगातार मतों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। जिलाधिकारी के द्वारा लोगों से वोट देने की अपील की जा रही है। बताते चले आपको कि इस बार मतदाताओं में उत्साह कम देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए पटना के डीएम ने मतों को जागरूक करने का प्रयास किया है। तो वही आपको बता दें कि जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं पटना के जिलाधिकारी के द्वारा। जहां एक ओर बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर डीएम के द्वारा आज ई रिक्शा जागरूकता के लिए भी रवाना किया गया। इस दरमियान कहा जा रहा है कि आप अपना कीमती वोट वेस्ट न करें, आप अपना वोट जरूर दे। आपको बताते चले कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं में उत्साह कम देखी जा रही है। तो वही 1 जून को पटना में वोटिंग होना है, जिसको लेकर पटना डीएम जो है वो लगातार जनता से अपील कर रहे हैं वोट देने को लेकर। तो वही आज ई रिक्शा को रवाना किया गया है पटना के जिलाधिकारी के द्वारा। ये देखिए, विशेष अभियान है, मतदाता पर्ची जो होती है, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, इसका बंटवारा स्टार्ट हो गया है। तो हर बूथ पे जो BLOs हमारे आते हैं, वो उनके माध्यम से हम बांटते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में जो है, ये पाया गया है कि मतदाता पर्ची के जो मतलब इलेक्टर्स जो है, उनके घर ढूंढने में दिक्कत होती है, कई बार जो है उनको नहीं मिल पाता है। तो ये जो हमारा एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, मतलब अगर किसी को मतदाता पर्ची नहीं मिली है तो 1950 नंबर है, कंट्रोल रूम से हम इलेक्ट्रॉनिकली भी जो है, आप एपिक कार्ड या आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर हमको जब बताते हैं तो उसके माध्यम से भी जो है हम उनको मतदाता पर्ची भेज देते हैं। जहाँ जहाँ सामुदायिक भवन है, जैसे अभी पटना सिटी में OP साहा भवन में जो है, अगर किसी को नहीं मिला है आवास में, तो आप वहाँ आके इस समय पे जो है, पर्टिकुलरली जो है शाम में, आप मतदाता पर्ची अपनी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे BLO बैठेंगे। तो बेसिक एम ये है कि मतदाताओं को उनका बूथ नंबर, उसके बूथ का नाम कैसे हम पहुंच पाते हैं, ये BLO के माध्यम से जानकारी देने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि मतदाता पर्ची अब बट रही है, तो आप लोग भी सजग हो जाएंगे। अगर किसी को नहीं मिलता है तो हमको बताएंगे, तो निश्चित हम आपके द्वार आएंगे, आपको मतदाता पर्ची भी देंगे। तो इसी के लिए ये जो ऑटो रिक्शा है वो हमारी जा रही है, उसके साथ जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी है। थैंक यू। अभी 75 वार्ड है हमारे पटना नगर निगम में, तो 75 वार्ड में एक एक ऑटो इस तरीके से हमने इसको दिया है। तो ये घूम रहे हैं और BLO के माध्यम से हम क्रॉस चेक भी करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये गाड़ी पहुँची है, इसका रूट प्लान भी जो है वो बनाया गया है। ठीक, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा। पटना से मनीष की रिपोर्ट।